पापा बोलो पापा तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं लेकर आ चुका हूँ आपके सपनों का सेटअप। जी हाँ दोस्तों, चार बेस चार टॉप का सेटअप है जो कि लिया है हमारे चंदन भाई ने। तो चंदन भाई से आपका तारुफ कराऊंगा और आप सभी की तरफ से एक बार वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस चंदन भाई को देना चाहूँगा कि चंदन भाई अपना सपना पूरा करने जा रहे हैं। तो चंदन भाई बहुत बहुत मुबारक हो यूट्यूब फैमिली की तरफ से और अपने भाई की तरफ से। आपका काम और आगे बढ़े, बढ़िया चले। तो चंदन भाई आप बताओ क्या स्पेसिफिकेशन, क्या डिटेल रहने वाली है और किस तरीके से आपने बुक करा, कैसे लिया, सारी चीज़ें डिटेल में बताइए। मैं पहले इनको जानता नहीं था, यूट्यूब के थ्रू में इनको जाना जी सोनू भाई को, फिर इनसे बात हुई, फिर मैं डीजे के लिए आया यहाँ पे। अच्छा हाँ। तो इन्वेस्टिगेशन तो आपने और भी करी होगी? हाँ, बहुत जगह बात हुई थी। तो क्वालिटी समझ आई आपको? आपके सामने सारी क्वालिटी तैयार हुई है, जो चीज़ बोली वो निकली या नहीं निकली? साउंड कैसा है? साउंड अच्छा है, कोई बात नहीं। हाँ तो आपने चेक कर ही लिया, जब आप अपनी फील्ड पे लगाएंगे ना, जब अच्छा बजे तो मुझे कॉल मत करना, अगर कोई दिक्कत लगे तो मुझे कॉल करना, ठीक है भैया? तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दोनों एम्पलीफायर लगा दिए हैं, एक पे मैं टॉप रन करने वाला हूँ, एक पे बेस रन करने वाला हूँ। बेस जो लगी हुई है दोस्तों, यहाँ पर बेस की स्पेसिफिकेशन भी आपको बताऊँगा और टॉप की भी बताऊँगा। तो दोस्तों बात की जाए C20 के एक एम्पलीफायर पे क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने लगाया हुआ है 1100 1100 1100 1100, चार 1100 वाट, मतलब 500 500 और 100 वाट की HF हमने 1100 वाट के चार टॉप हमने एक C20 पे दिए हैं। अगेन वही बात की जाए दूसरे एम्पलीफायर की, तो दूसरे एम्पलीफायर पे हमने यहाँ पर चार सबवूफर्स दे दिए हैं। जिसकी वोल्टेज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको V2 मॉडल चैलेंजर का 1500 वाट का स्पीकर ऑडियो एक्स की तरफ से मैंने यहाँ पर आपको लगा के दिया है। तो बात की जाए यहाँ पर सबवूफर्स की, तो यहाँ पर 1500 1500 1500 1500, यानी कि 6000 वाट का प्रॉपर लोड हमने दूसरे एम्पलीफायर पर डाला हुआ है। एक बार हम लोग इसके कनेक्शन भी समझ लेते हैं किस तरीके से क्या कनेक्शन हमने किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों टॉप को इस वायर से पैच कर दिया है, अगेन उसी तरीके से यहाँ पर दो टॉप पैच हैं। C20 का एक चैनल की लीड आपको यहाँ मिल जाती है और एक C20 की चैनल की एक लीड आपको यहाँ मिल जाती है। अगेन उसी तरीके से यहाँ पर बेस के भी कनेक्शन रहने वाले हैं, बेस से बेस पैच हो गई है और बेस से बेस पैच हो गई है, एक एक कनेक्शन एक एक चैनल का यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों फाइनली ये थे इस एम्पलीफायर के, इस सेटअप के कुछ कनेक्शन। तो अब चलते हैं एम्पलीफायर से कनेक्शन में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों एम्पलीफायर लगे हुए हैं, हमने बेस को क्रॉसओवर से पैच किया हुआ है, यहाँ पर ATI प्रो का मिक्सर लगाया हुआ है। अगेन आप इसके कनेक्शन में आप लोगों को समझाना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो दो ब्लू कलर की लीड देख रहे हैं, ये है मिक्सर की इनपुट, जो मिक्सर से आउटपुट आ रही है वो हमने क्रॉसओवर में दे दी है। अगेन यहाँ पर साइड में आपको बेस की वायर जा रही है और ये जा रही है आपकी टॉप की वायर। यहाँ पर हमने दोनों एम्पलीफायरों को पैरेलल किया हुआ है, ये हमने टॉप की वायर डाल दी है मिड की और ये डाल दिया आपकी बेस की। तो दोस्तों ये जो सेटअप है ये टू वे बज रहा है और टू वे में बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको निकाल के देने वाला है। तो दोस्तों इस सेटअप के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे है, सारी चीज़ें पूरी डिटेल्स के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अब जल्दी से कर लेते हैं इसकी टेस्ट। Thank you.
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस एम्पलीफायर में मैंने कितना लोड डाल के चलाया, पूरा खींच के चलाया, एम्पलीफायर गर्म नहीं हुआ है और इस एम्पलीफायर की एक साल की वारंटी भी आप लोगों को मिलती है। तो बिना देर करें जल्दी से डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, जाइए और कॉल मिलाइए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने चार जो टॉप दिए हैं वो दिए हैं आपके SRX सीरीज 725 मॉडल के। बात कीजिए इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पेंट फिनिशिंग के अंदर ये कैबिनेट रहने वाली है। और बात की जाए बॉडी के स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर हम लोगों ने हैंडल को बॉडी के अंदर दिया है। अगेन वहीं पर आप लोगों को प्लेट भी जो मिलेगी वो भी हैवी क्वालिटी की मिलने वाली है, और उसी के साथ साथ पूरे स्पीकर्स और बैक प्लेट वगैरह पूरे तरीके से गैस्केट से पैक किए गए हैं, पूरी टेपिंग लगा के पैक करके जब करे गए हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेस की क्वालिटी, यहाँ पर आपको CNC वाली बेस मिल जाती है। और यहीं बात की जाए मॉडल की, तो ये LD18 मॉडल रहने वाला है, इसमें स्पीकर ऊपर से लगता है, पूरी ग्रुपिंग दी हुई है हर चीज़ की, नॉन स्क्रैचेबल पेंट है, और पूरे तरीके से आप लोगों ने टेस्टिंग देख भी लिया। तो चंदन भाई क्या कहना चाहोगे जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं? जो देख रहे हैं उसको यही बोले कि हाँ एक बार आके इनसे मिलें, इनका सेटअप देखें एक बार जरूर करें। तो आप पर्सनली एडवाइस क्या देना चाहेंगे व्यूअर्स को? मेरी तरफ से तो ये अच्छा रहा, एक सेटअप अच्छा है, सेटअप बजट। चंदन भाई का बजट कम था और कम बजट में सामान भी हैकर चाहिए था, और इनकी जिद थी कि भैया चार टॉप चार बेसी लेकर जाऊंगा, बिल्कुल है ना। तो हमने भी जिद मान ली कि भाई चार टॉप चार बेसी दे के भेजेंगे आपको, और हैवी दे के भेजेंगे। तो चंदन भाई 2000 वॉट की बेस डलवा रहे थे आप इसमें, हाँ। तो इनफ लग रही है, नहीं लग रही है आपको 1500? सही है 1500। इसकी जो थ्रो है वो भी ज़्यादा जाएगी, 2000 वॉट की थ्रो नहीं जाती है। तो विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि इस सेटअप को और आगे बढ़ाएं और एक और सेटअप जल्दी लेकर जाएं, ठीक है। अगेन बात की जाए दोस्तों यहाँ पर फाइनली इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो मैं पूरे तरीके से आप लोगों को नज़र डलवा चुका हूँ। यहाँ पर बजट कम करने का मतलब ये नहीं कि माल कम कर दिया जाए। आप लोगों ने देखा कि मैंने इसमें स्पीकर कौन कौन से डाले हुए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 500 वोल्ट का यहाँ डाला हुआ है और 1500 वोल्ट का यहाँ डाला हुआ है। आप लोगों ने देखा कि स्पीकर की क्वालिटी क्या रहने वाली है, और हमेशा से मैं कम बजट के अंदर शानदार चीज़ लाने की आपके लिए कोशिश करता हूँ। तो जिन भाइयों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।